देश की आजादी लिए करजन वायली नूं मारन दे दोष तहत 17 अगस्त 1909 च फांसी चढ़े अमृतसर के जाए सूरमे शहीद मदन लाल ढिंगरा का अज शहीदी दहाड़ा मनाया जा रहा है। शहीद मदन लाल ढिंगरा पहले फांसी चढ़े शहीद सन जिन्हां नूं अज श्रद्धांजलियां दित्तियां जा रही ने। इस शहीदी दहाड़े ते अज भाजपा नेता लक्ष्मीकांत चावला ते आम आदमी पार्टी के नेता कुंवर विजय प्रताप सिंह वल्लों अमृतसर विरासी मार्ग ते स्थित मदन लाल ढिंगरा की मूर्ति ते श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस दौरान पत्रकारों नाल गलबात करदे लक्ष्मीकांत चावला ने कहा कि अमृतसर का पुत्र मदन लाल ढिंगरा पढ़ाई करने इंग्लैंड गया सी। उत्थे उसने कोलों कदी नहीं सोचा सी कि कोई भारत की बदनामी करे। देशभगती उसके अंदर कुट कुट के भरी हुई सी। कोई भारतवासी का अपमान करता सी तां मदन लाल ढिंगरा उसके खिलाफ हो जाता सी। इसके चलदिया उन्हां वल्लों विदेश विच एक व्यक्ति का कतल भी किया गया ते बाद च मदन लाल ढिंगरा नूं फांसी की सज़ा हो गई। मदन लाल ढिंगरा ने एक सच्चे भारतीय होने का फर्ज निभाया जिसके चलते अज उन्होंने श्रद्धांजलियां अर्पित की जा रही ने। 17 अगस्त 1909 अमृतसर का बेटा मदन लाल ढिंगरा इंजीनियर बनने वास्ते इंग्लैंड गया से, पर ऊपर से वो इंजीनियर बनने गया था उसके अंदर देशभक्ति की भावना बहुत जोर शोर से भरी थी और वहाँ जाकर वो इंडिया हाउस का मेम्बर बना। इंडिया हाउस मतलब क्रांतिकारियों का मंदिर। और वीर सावरकर जी के संपर्क में आया, उससे ये नहीं सहा जाता था कि कोई भारत का या भारतीयता का अपमान करे। वहाँ 1857 की वर्षगांठ मनाई। एक दो अंग्रेजों ने कॉलेज में कह दो वहाँ भारतीयों ने 1857 की मनाए 50 साल, तो कुछ अंग्रेजों ने यह दुस्साहस किया, उन्होंने उसकी छाती पर लगा बैज उतार दिया 1857 का। तो फिर उसकी ऐसी पिटाई की कि वो माफ़ी भी मांगा और उसने वो बैज भी लगाया। करजन वायली था वहाँ जो हिंदुस्तानियों की जासूसी भी करता था और हिंदुस्तान के लोगों का अपमान करता था, विद्यार्थियों का। नहीं सहारा गया इससे मदन लाल ढिंगरा ने। इससे कहा मैं भारतीयों का अपमान नहीं सह सकता, मेरे लिए मेरी भारत माता राम और कृष्ण सब एक हैं, तो इनका अपमान नहीं सहा जा सकता। आखिर इसने 1 जुलाई 1909 को करजन वायली को मार दिया। थोड़े दिनों में सारा ये नाटक पूरा करके जुडिशरी का सो कॉल्ड इसको फांसी की सजा दे दी। इसने अपने पास गीता रखी, श्रीमद् भागवत गीता, और ये कहा, इसका जो आखिरी बयान दिया, इसका आखिरी बयान फ्रांस से पोलैंड से छप गया। इसने यही कहा था जो मैं कहना चाहता हूँ वो पूरी दुनिया को मेरे फांसी पर चढ़ने से पहले मिल जाए। इसका पिता टोडी बच्चा था, इसका भाई टोडी बच्चा था। उन्होंने कह दिया कि हमें शर्म आती है, ये हमारा भाई या बेटा है। और इसने भी कह दिया कि मैं उनको मिलने को तैयार नहीं, ना वो मेरा केस लड़े ना वो मुझे अपने बेटा कहें। और आप देखिए 1909 का शहीद हुआ, 2011 में हमने ये स्टैचू लगाया है, कोई सरकार इसके लिए तैयार नहीं थी। 2009 में जब मैं मिनिस्टर थी तब मैंने पंजाब सरकार से कह के इसका कार्यक्रम राज्य स्तरीय करवाया। अब बहुत मेहनत के बाद मुख्यमंत्री जी 15 अगस्त को अनाउंस कर गए हैं, जमीन तय हो गई है, गोलबाग में 2000 गज जमीन मिल गई है, वहाँ पर इनका करोड़ों रुपयों की लागत से स्टैचू बनेगा। असली हमारा त्यौहार उस दिन होगा जिस दिन अमृतसर में गोलबाग में इनका स्मारक, इनका ऑडिटोरियम, म्यूजियम सब कुछ वहाँ लगेगा, वो हमारा असली दिन होगा। और तभी हम सब शहीदों का नाम लेने के अधिकारी हैं। भारत माता की जय। आज बलिदान दिन है 17 अगस्त 1909 के बाद आज 2021, हम पीछे सन 2009 से ही इसका दिन मना रहे हैं। आज शहादत पर हमने श्रद्धांजलि दी है और जिस कमिश्नर कॉरपोरेशन के उद्यम से ये हमारा स्मारक का काम पूरा हो रहा है उनका स्वागत किया है। राज बच्चन जी पुलिस कमिश्नर का किया है और कुंवर विजय प्रताप भी हमारे बीच में विद्यमान है। अज जिहड़ा तुसीं इह शहीदी प्रोग्राम देख रहे हो इहदा सारा श्रेय भैन लक्ष्मीकांत चावला जी नूं जांदा। यह शहीद 1909 दे विच शहीद होया सी। उस तो बाद 100 साल किसी ने सार नहीं लई। 2009 दे विच भैन जी जदों मंत्री सी उन्होंने इनू राजपदरी प्रोग्राम कराया, अमृतसर के बस स्टैंड का नाँ रखाया, नर्सिंग कॉलेज खोलिया, जरा बुत लगा थोड़े तो सामने बड़ी जदोजहद न लवाया। पिछले 12 सालों तो प्रयासरत सी गौरमेंट ना, हूँ उन्होंने इतने स्मारक भी बन रहा 5 करोड़ रुपए की लागत नाल,
तिना महीनिया तैयार हो जाएगा, गोलबाग बन रहा। कहिंदा मतलब हैगा कि उन्होंने एक अपना सी नूं एम बना के रखा, जिहड़े लोग जिहड़े मुल्क अपने शहीदां नूं याद नहीं रखते वो कामयाब। इस कारण साडी नवी पीढ़ी नूं अज तो 10 साल पहलों तक पता ही नहीं सी। हुण की हुंदा हर साल 1 महीना स्कूलों च प्रोग्राम चलते, पर करोना कारण पिछले साल बहुत छोटा किया। अज भी अभी बाहरों कोई स्कूल नहीं सद्या, जिहड़े शाम नूं अपने सिलाई स्कूल चलते जिन्होंने मशीन उन्ने ही बच्चे सदे है करोना कारण, नहीं तो हर साल 2000 बच्चा आता, 1-2 महीने प्रोग्राम चलता। मेन साडा मोटिव है कि आने वाली पीढ़ी को अपने शहीदों बारे पता लग सके। अमृतसर तो हरिंदर सिंह की रिपोर्ट। वधेरे खबरों लिए तुसी देखते रहो अजीत वैब टीवी। कोविड की बीमारी दौरान पंजाब सरकार बिल्कुल फेल हो गई। हज़ारां मौतां पंजाब इसलिए हुई क्योंकि सरकारी हस्पतालों को ना ऑक्सीजन का ना दवाइया का साधन सी। प्राइवेट हस्पताल लखां रुपये चार्ज करते। श्रोमणी अकाली दल तो बहुजन समाज पार्टी ने फैसला किया कि साड़ी आने वाली सरकार विच असी सारे पंजाबियों की 10 लाख रुपये तक मेडिकल इंश्योरेंस करावांगे। 10 लाख रुपये तक कोई भी पंजाबी किसी भी प्राइवेट हस्पताल या सरकारी हस्पताल अपना इलाज करा सकेगा, दवाइया ले सकेगा, टेस्ट करा सकेगा। पैसे करके कोई पंजाबी इलाज करन तो ना रह सके, आ साडा सारे नाल वादा है। देश दुनिया दीआं ताज़ा खबरां दे लई हुणे प्ले स्टोर तों डाउनलोड करो पंजाब दी आवाज़ अजीत न्यूज़ ऐप। हुण तुहाडा अपना अजीत हर सोशल मीडिया प्लेटफार्म दे उत्ते उपलब्ध है। फेसबुक दे उत्ते हुणे लाइक ते फॉलो करो अजीत दा ऑफिशियल पेज डेली अजीत, ते हाँ नाल ही दोस्तां नूं पेज लाइक करन दे लई इनवाइट करना ना भुलना। इन्ना ही नहीं, हिंदी दे विच खबरां वास्ते लाइक ते फॉलो करो साडा फेसबुक पेज अजीत समाचार हिंदी। यूट्यूब दे उत्ते वीडियो खबरां देखण दे लई हुणे सबसक्राइब करो अजीत दा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अजीत वैब टीवी। तुहाडा अपना अजीत हुण ट्विटर ते इंस्टाग्राम दे उत्ते भी उपलब्ध है। ट्विटर दे उत्ते खबरां दे लई फॉलो करो डेली अजीत, ते इंस्टाग्राम दे उत्ते खबरां दे नाल नाल वीडियो देखण दे लई फॉलो करो ब्लू टिक वाला साडा ऑफिशियल चैनल डेली अजीत। इन्ना ही नहीं, अजीत दे वीडियो हुण तुसीं एप्पल टीवी दे उत्ते भी वेख सकदे हो, ते नाल ही अजीत अखबार दा डिजिटल एडिशन पढ़न दे लई डाउनलोड करो अजीत ई पेपर ऐप। तुहाडा अपना भरोसेयोग चैनल, तुहाडी अपनी आवाज़, पंजाब दी आवाज़ अजीत।